मैंने तुमसे कहा ना मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है क्योंकि घर वाले मुझसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करते हैं। तू किस काम की बात कर रही है ताई? एक मिनट। ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। पढ़ लिया? वैसे इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं सुलोचना करंजकर अपना ये घर मिस्टर मित्तल के नाम कर रही हूँ। और वैसे भी आजीत तो तुम पे इतना भरोसा करती है, वो तो ब्लाइंडली इन पेपर्स पे साइन कर देगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आजी की साइन इन पेपर्स पर ले आओ और परी वाली बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, या फिर तुम्हारे परिवार पे ये सच्चाई जानने के बाद जो बॉम्ब फूटेगा उसे तुम हैंडल कर लेना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ताई, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम जानती ना अच्छी मुझ पे कितना भरोसा करती। तभी तो मैं तुझसे ये काम करवा रही हूँ। देख पूर, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। पहला तो ये कि तू शादी के पहले से प्रेग्नेंट थी, और दूसरी बात ये कि जिसके साथ तुमने ये मैजिकल मोमेंट स्पेंड किए वो अर्जुन था, और तीसरा और सबसे बड़ा सच ये कि परी तुम्हारे और अर्जुन की बेटी। अब तो ये सुन के सारा परिवार कैसे रिएक्ट करेगा, क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? और उन्हें तो लगा क्या है? क्योंकि मैं मिस्टर मित्तल को वो सीडी दे दूंगी और वो जाकर उसे कोर्ट में पेश करेंगे, जिससे ओनर को जेल हो जाएगी पूरी, हॉस्पिटल विजिट से जेल विजिट। सैड ना, न जाने कितनी बदनामी होगी। और फिर जिन लोगों के लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, अर्जुन और ओवी, उन्हें जब ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो साथ रह पाएंगे? क्या ओवी परी को एक्सेप्ट करेगी? उसे सच्चाई पता चलेगी तो सदमे से मर ही जाएगी। वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूर्वी सारा परिवार बिखर जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम ऐसा करोगी? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? ताई तू ये सब क्यों कर रही? ताई सोफी को इस बारे में कुछ मत बता। 24 घंटे है तुम्हारे पास। 24 घंटों के अंदर अंदर तुम इन पेपर्स पर आजी की साइन लेके आओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है ये तुम जानते हो। 24 परी, क्यों रो रही है इतना? देखो रोते नहीं ऐसे। हाँ परी, अर्जुन तुम यहाँ? बेबी हाँ, वो मैंने सोचा कि मैं हमारी प्रिंसेस के साथ थोड़ा सा टाइम, अमीरमा तुम दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा, है ना बेबी?
अर्जुन तुम अभी ऑफिस से आयो, जाके फ्रेश हो जाओ और परी को यहाँ दो। रियली? लू। पूर्वी, अब अर्जुन तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ पूर्वी। अर्जुन, अर्जुन पुनीता आई थी और परी की सच्चाई छुपाने के लिए उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी। कैसी शर्त? अर्जुन वो चाहती है कि मैं आजी का घर मिस्टर मित्तल के नाम कर दूँ। What? जब जब आजी के सिग्नेचर पेपर पे करवा दूँ। Oh God, I don't believe कि पुनी इस हद तक गिर सकती। This is तुम टेंशन मत लो, हम इसका कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। तुम प्लीज आज ही से किसी भी पेपर पे कोई साइन मत लेना। ओके, विल टेक केयर। ठीक है, बाय। देखती है? हाँ। अर्जुन कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो नहीं, नहीं वो मैंने बाहर देखा तुम फोन। नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस से फोन था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था। I'm sorry, Obi. मैंने तुमसे झूठ कहा कि वो पूर्वी का फोन नहीं था। क्या करूं? मजबूर हूं मैं। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ओमी, मैं जानता हूं कि हमारी शादी को कामयाब बनाने में तुमने कितनी कोशिश की। पापा, मैं अर्जुन के लिए किसी भी हालत में कुछ भी कर सकती हूँ, you know that। शादी के बाद भी मैं पूर्वी को कभी भुला नहीं पाया था, जिसकी वजह से तुमने काफी इनसिक्योर फील किया। उन सब चीजों के बावजूद भी तुमने अपनी प्रेगनेंसी को सीरियस लिया। तुम्हें पता है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। यू नो, मैं उसे सारी खुशियां दूंगी। मुझे रियलाइज हुआ कि ये तुम्हारे साथ गलत है। हमारा बच्चा जो तुम्हें और मुझे करीब ला रहा था, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि हमने उस बच्चे को खो दिया। अरे, तुम्हारी मेरी और पूर्वी की बेटी। मॉम, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं? ओवी को ये सच्चाई कैसे बताऊं? प्लीज हेल्प मी मॉम।
पास दो ऑप्शन, या तो इन पेपर्स पर आज के साइन ले आऊं, और तुम्हारी और परी की सच्चाई मैं किसी से नहीं कहूंगी, या फिर तुम्हारे परिवार पे ये सच्चाई जानने के बाद जो बॉम्ब फूटेगा उसे तुम हैंडल कर लेना, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पेपर्स पर आज के साइन कैसे ले सकती हूँ? सब कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से, मैं इन यादों का सौदा कैसे कर सकती हूँ? हाजी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं ये सब नहीं कर सकती। तू जानती है ना हाजी मुझ पे कितना भरोसा करती है। तभी तो मैं तुझसे ये काम करवा रही हूँ। देख बूढ़ी, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। मगर पुनीता, अपनी यादों के साथ अपने अपने रिश्तों के साथ न्याय करने जाऊं तो मेरी बच्ची के साथ अन्याय होगा। अगर पुनीता की बात मान लूं तो आजी और आई कहीं घर इतना सोच क्या रही हो पूर्व? तू जानती है ना उन्नी ताई के पास तेरे खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। अगर तुमने आज ही से वो पेपर साइन नहीं करवाए तो वो सबको बता देगी। परी तेरी और अर्जुन की बेटी, फिर सोच तेरे परिवार पे क्या गुजरेगी, क्या हाल होगा उनका, और ओवी अर्जुन का रिश्ता वो तो बिखर ही जाएगा ना। तो भलाई इसी में है कि तू ये पेपर्स आजी से साइन करवा और पुन्नी ताई का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। नहीं पूर्वी, तू अपनी आजी को धोखा देने का सोच भी कैसे सकती? अरे जिस घर ने तुझे पनाह दी, तुझ जैसी अनाथ लड़की को इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा प्यार थी, तू उसी घर का सौदा करने चली? तेरी आजी, तेरी आई, इन लोगों ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया? उनके प्यार और उनके विश्वास का ये सिला देगी तूने? क्या इतना आसान है तेरे लिए तेरी आजी को धोखा दे? उसका ये घर पुन्नी ताई के हवाले करना? देखो पूर्वी, कभी कभी ना अपने परिवार की सुख शांति बचाने के लिए अपनों का विश्वासघात करना पड़ता है। नहीं पूर्वी, विश्वासघात करके कब तक तुम अपने परिवार की सुख शांति बचा पाओगे? तू ये सोच कि जिस दिन तेरी आजी को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा, ना टूट जाएगी वो, और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार की खुशियों का क्या होगा? तब जिन रिश्तों के लिए तुमने इतना कुछ किया है, तब उन रिश्तों का क्या होगा? किसकी बात मानूं? आजी के जज्बातों को संभालूं या घर की गरिमा को? आने पूर्वी, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं आजी, वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो एक बुक पढ़ रही थी। ओनिर की याद आ रही? अरे वो किसी काम से गया है ना, काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, तो क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है तो मेरे कमरे में आ जा, चल। नहीं आजी, एक बार ये बुक खत्म हो जाए उसके बाद मैं सो जाऊंगी। ठीक है, देर रात तक जागना नहीं, समझी ना? हाँ।
काश काश मैं अपनी प्रॉब्लम तेरे साथ शेयर कर पाती आज। पापा है मेरी कैसी परीक्षा ले रहा, कुछ रिश्तों को बचाए रखने के लिए कुछ रिश्तों की पवित्रता को दांव पे लगाना पड़ रहा है मुझे। प्लीज मुझे माफ कर देना आजी। अर्जुन क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, कल रात से देख रही हूँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। मैं नो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, दिस कोई प्रॉब्लम या झूठ? क्यों झूठ बोल रहे हो मुझे? तुम्हें मुझे सच नहीं बताना है ना? भी ऐसी कोई बात नहीं, तुम फाइन मत बताओ, पर प्लीज मुझे झूठ मत बोलो। ओवी वो अर्जुन, मैं जानती हूँ कि कल ऑफिस से फोन नहीं आया था बल्कि पूर्वी का फोन आया था, और कल रात उस कॉल के बाद से तुम और भी ज्यादा टेंस हो गए। क्यों? देखो आई एम रियली सॉरी। मैं लिसन, मैं तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रही हूँ, और प्लीज ऐसा मत सोचना कि क्योंकि पूर्वी का फोन आया था इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। अर्जुन मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि कि तुमने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, मैं तुम्हारी सिर्फ अब वाइफ नहीं हूँ, हमारी बेटी है एक छोटी सी, कितना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं तुमसे। देखो अर्जुन, तुम्हें मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है मत बताओ, तुम्हें जब सही वक्त लगता है तुम तब मुझे बताना, पर प्लीज इस तरह झूठ मत बोलो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं होगी वो भी। देखो मैं वो भी लिसन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और आई एम सॉरी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं जानती हूँ कि जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से तुमने पूर्वी के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है, और शायद से ये रीजन है कि आई ट्रस्ट यू। आई एम रियली सॉरी ओवी, ना चाहते फिर भी मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। भारी की सच्चाई तुमसे छुपानी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम टूट जाओगे, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। इसीलिए ये सच्चाई तुमसे छुपी रह, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस बस बहुत जल्दी लगे सोरे को, बारीगन जल्दी लगे सोरे को। अरे सोरी हमारे टकरा के रोक गिर रहे हैं तो रोक नहीं रहा तुम्हें भी। हमरी आजी को मारा तुमने, हमरी आजी को मारा। टकरा के मार, बाबू मार इसे, मार 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 भी। हाँ, ठीक है जाओ। अरे चल, सकल का देखा निकालो भी यहाँ से, बारीगन सोरे को, निकल। आजी आप ठीक हैं? आपको कोनो चोट तो नहीं? आजी हमको हाथ दीजिए, हम आपको ले चलते हैं। अब हमको हाथ दीजिए। हम उठाते आजी, जोला बहुत बारी हम आपको घर छोड़ देते। मैं ठीक हूँ, लाओ। अब आप ये मत सोचिए कि आपकी मदद करने में हमरा कोनो स्वार्थ है। आपकी जगह कोनो और होता तब भी हम यही करते।